हेलो स्टूडेंट्स, चलो तो बात नहीं करेंगे। करना चाहते हो? वैसे ना कुछ लोग हैं थोड़े जेलसी टाइप में, चिपकू टाइप में, जो फालतू के कमेंट करते हैं ना। ऐसे बच्चे, स्टूडेंट्स या वॉट एवर जो भी पदार्थ हैं एक टाइप के, है ना, उनको ब्लॉक कर देना ठीक रहता है। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अपन। इससे पहले वाले वीडियो में जो ग्रीष्म काल में कैसा ये पवनों का चक्कर होता है, शीतकाल में कैसा होता है, वो सारा हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे कि जो ऋतुओं की लय है, चार टाइप में ऋतु बांटी गई है। देखो पहले क्या है, शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, और फिर वर्षा ऋतु, और एक ऋतु ले ली इसकी मानसून। ये किसकी है ऋतु? मानसून को लेके बांटी गई है, ठीक है। तो अभी देखिए शीत ऋतु के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जब उत्तरी भारत की बात करते हैं तो शीत ऋतु कब आती है, हमें ठंड कब महसूस होने लगती है? नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नवंबर से स्टार्ट होने के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं हमें ठंड लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो सन है हमारा, है ना, अर्थ रोटेशन करती है, घूमती है, अर्थ घूर्णन करती है, जिस कारण जब सन पहले तो मकर रेखा पर होता है, सीधा आता है, तब तक तो उत्तर भारत में गर्मी होती है, और जैसे ही वो सन वापस इधर आने लगता है घूम के, सन घूमता है, अर्थ घूमती है, अर्थ घूमती है, तो जैसे अर्थ अर्थ का जो साउथ साइड है वो आता है, तो वो कहाँ, मकर रेखा पर आता है ना, तब वहाँ ठंड होती है। इतनी तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए नवंबर में, मध्य नवंबर से ठंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। शादी वगैरह होती है ना तब तो नहीं लगती, लेकिन हो जाती है। फिर दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर क्या है, लो है, तो वहाँ पर जो प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, दक्षिण में जो एवरेज टेम्परेचर है, क्या है ये, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, औसत तापमान, ठीक है, औसत ताप, वो कितना होता है, 24 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ, दक्षिण में। दक्षिण में शीत ऋतु में टेम्परेचर 24 डिग्री, ओ मैम 24 डिग्री में तो गर्मी होती है, क्या होती है, 24 डिग्री में तो गर्मी होती है ना, एवरेज औसत, फिर भी माने तो, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे तमिलनाडु में ना गर्मी में तो यहाँ का तापमान 21 डिग्री रहता है, ठीक है, लेकिन शीतकाल में यहाँ कितना रहता है, 31 डिग्री के आसपास रहता है। अब बोलो शीतकाल में जब तमिलनाडु में इतना कैसे रह सकता भाई, यहाँ तो ठंड है, भारत में ठंड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 31 कैसे हो सकता है? वो 31 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जल है, ठीक है, जल होने के कारण यहाँ क्या है, तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। गर्मी और सर्दी एक जैसी सी होती है, कुछ बस जो भी फर्क है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल है ये लोग, ठीक है। तो जैसे इनकी सिचुएशन क्या है, एक तरीके की है, ये लोग मज़े ज़्यादा नहीं ले पाते जितने हम उत्तर भारत वाले ले सकते हैं ना, मैदानी क्षेत्र वाले। फिर क्या है, शुष्क मौसम होता है, आसमान साफ होता है, ताप व आर्द्रता कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा नहीं होती शीतकाल में, शीतकाल में बारिश ज़्यादा नहीं होगी तो वहाँ शुष्कता होगी, शुष्कता होगी तो आर्द्रता में कमी होगी, तापमान भी कम होगा, जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पहले ही बता दिया। शीतकाल में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, और लो होने के कारण बारिश तो होगी नहीं, तो वहाँ शुष्कता होगी और आर्द्रता में कमी होगी। वर्षा कम होती है, और जो भी वर्षा होती है वो किससे होती है, शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किससे होती है, जो लौटने वाला मानसून होता है, मानसून का जो निवर्तन काल होता है, वहाँ से वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान में होती है तो होती है, अदरवाइज नहीं होती, और होती भी है तो कौन से मानसून से होती है, उत्तर पश्चिम से जो हवाएं आती हैं, और इनके सुन के अंदर नमी है, नमी कहाँ से ले लेती है, वो जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय से नमी ले लेती थोड़ी सी, और फिर अगर होती है तो वहाँ होती है, और जब होती है तो वो कौन सी फसल के लिए, रबी की फसल के लिए क्या है, लाभदायक है।
तो मेरे ख्याल से शीत ऋतु कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा शीत ऋतु में क्या क्या होता है। ये बेनिफिट है वीडियो देखने का कि बुक का जो डीपली पार्ट है वो हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम वर्षा ऋतु शीत ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, ठीक है। मार्च और मई में जब होली आती है, कब जब होली आती है तो हमारी ठंड दूर भाग जाती है, ठंडे पानी से खेलने लग जाते हैं। तो वहीं से याद रख ली मार्च से मई। मार्च में दक्षिण के पठार का तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। पर अप्रैल में मध्य प्रदेश गुजरात में 45 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो कहाँ जो यहाँ ये पार्ट है गुजरात राजस्थान MP, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, ठीक है। होने का कारण क्या है? आई टी सीजेड अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये क्या है? वहाँ से वापस उत्तर की तरफ खिसकने लगता है। जब उत्तर की तरफ खिसकने लगता है, ठीक है, ये क्षेत्र मैंने बता दिया था, अगर किसी को नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो में देख ले, ठीक है। तो दक्षिण के पठार में और यहाँ गर्मी होने का कारण यही है कि वो उत्तर पश्चिम की तरफ यूँ खिसकने लगता है। क्या? ये कहाँ खिसकेगा? उत्तर पश्चिम की तरफ खिसकेगा। इसलिए कहाँ? MP गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर और चूरू, कभी कभी तो यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं उत्तर लू की, बात करते हैं ग्रीष्म काल में क्या चलती है? लू चलती है। और कैरी का जो पानी होता है ना, वो उसके लिए बेनिफिट होता है। कैरी के पानी को उबाल के अगर पिया जाए तो वो इसके अंदर काम करता है। अब ये क्यों मैंने बताया? क्योंकि आपको पता है कि जो लू चलती है वो घातक होती है, ठीक है। अगर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है तो लू क्या होती है? घातक होती है। 1 मिनट मैं इंक फिल कर लेती हूँ। तो जो लू चलती है वो क्या है? घातक है। तो उसके लिए कैरी का पानी यूज़ करके देखिएगा, ठीक हो जाओगे। अब बात करते हैं आगे, उत्तर और उत्तर पश्चिम में कहाँ चलती है ये? उत्तर इस साइड और इस साइड उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में चलती है। उत्तर में कब? मई, मध्य मई से स्टार्ट हो जाती है और शाम के समय चलती है। कब? शाम के समय चलती है। बाकी का रब कर देती हूँ। जब ये शाम के समय चलती है ना, तो जो लोग क्या करते हैं, आना जाना करते हैं, उनके लिए ट्रैवल करते हैं, उनके लिए क्या है? हानिकारक है ये। फिर बात करते हैं कर्नाटक व केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। अब पूर्व मानसूनी वर्षा क्या होती है? वैसे तो भयंकर तूफानों वाली होती है। अब देखो, जहाँ कोई सिचुएशन ही नहीं है इनके, वहाँ पर वर्षा हो रही है तो वो जाहिर सी बात है पवनों के कारण होगी, और पवनें क्या होगी? बहुत ज़्यादा तीव्र गति वाली होगी, तो वहाँ पर वो नमी लेके जल्दी से जाएगी तो वहाँ पर वर्षा करेगी। और ये किसके लिए? इस वर्षा को कहते क्या हैं? जो कर्नाटक और केरल में जो पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, इम्पॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि आमर वर्षा कहाँ होती है? कर्नाटक केरल में। और इसे आमर वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि आम की फसलों के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आम की फसलों के लिए बहुत अच्छा है, इससे आम क्या होते हैं? जल्दी पक जाते हैं। तो एक तो बेनिफिट ही हो गया इसका, पर तूफान भी आते हैं। क्या? तूफान ही होता है एक टाइप में। फिर बात करते हैं काल वैशाखी की। देखिए काल वैशाखी कहाँ कहाँ का? वेस्ट बंगाल का, बंगाल का और असम का। तूफान है, ठीक है। क्या? देखो काल वैशाखी मतलब ऐसे कहते हैं ना, अब तो काल आ गयो, कलयुग आ गयो अब तो, है ना। तो यहाँ से आप इसका मतलब भी समझ सकते हो कि ये जो बंगाल, पश्चिम बंगाल वह असम के लिए घातक है, ठीक है। काल बन के आती है ये। असम में इसको क्या कहते हैं? बारदोली। क्या कहते हैं? बारदोली। असम में क्या कहते हैं इसको? बारदोली, ठीक है। बारदोली छीड़ा कहते हैं, बारदोली छीड़ा। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं फूलों की बौछार। ये लू के ही टाइप है। किसके टाइप है? लू के। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा।
फूलों की बौछार के बारे में बात करते हैं तो केरल वह कहवा, केरल के पास जो कहवा उत्पादक क्षेत्र है ना वहाँ में ये फूलों की बौछार होती है। ठीक है, ये जो कहवा है यही बौछार की तरह आते हैं तो ये फूलों की बौछार कहलाती है। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। अब देखिए जैसे ग्रीष्म ऋतु जाएगी तो क्या आएगी, वर्षा ऋतु आएगी। तो मई तक की बात हो गई थी, तो मई के बाद क्या आता है जून, तो जून से प्रारंभ होती है, नवंबर तक चलती है, क्या सितंबर तक मान के चलो, सितंबर तक चलती है। कब? जून से प्रारंभ होकर सितंबर तक चलती है। ठीक है, फिर मानसून का विराम किसे कहते हैं? देखिए आर्द्र व शुष्क दोनों अंतराल, दोनों में क्या होता है अंतराल होता है, और इसमें क्या होती है बारिश नहीं होती। कब? मानसून का विराम कहते हैं इसको, कि एक बार बारिश आती है, मतलब तूफानी बारिश होती है, वो मूसलाधार बारिश होती है, फिर क्या होता है विराम लग जाता है, पूर्ण विराम जिसे बोलते हैं, तो वो उसी से याद रख लीजिए, विराम लग जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है आर्द्र व शुष्क दोनों में ही अंतराल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ बारिश नहीं होती। फिर क्या होता है, देखिए जब वर्षा ऋतु में आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो वो बारिश कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिमी से होती है। क्यों होगी? ग्रीष्म ऋतु के बाद आएगी, ग्रीष्म ऋतु के बाद आएगी, तो यहाँ का जो वायुदाब वो कैसा रहेगा? हाई रहेगा, हाई रहेगा। तो यहाँ पे जब वर्षा ऋतु आएगी ना यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ का तापमान कितना 5 से 8 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। ठीक है, और हाई टेम्परेचर होने, ये क्या प्रेशर हाई होता है, तो प्रेशर हाई होने के कारण ये यहाँ क्या होती है नमी होती है, क्या लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, प्रेशर हाई कैसे होगा, गर्मी में क्या होता है हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ लो प्रेशर होगा, क्या होगा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा। ठीक है, और यहाँ हाई प्रेशर होगा और लो क्या होगा टेम्परेचर, अपोजिट होता है इनका, कि टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ क्या होगा लो प्रेशर होगा। अब मैंने बताया था कि पवनें कैसे चलती है, हाई से लो की तरफ, तो हाई से लो की तरफ, तो यहाँ से चलेगी ये पवने तीव्र गति से, जब ये यहाँ से चलती है तब क्या होता है, यहाँ जो पानी का क्षेत्र है, ठीक है क्या क्षेत्र, अरब सागर, तो यहाँ से क्या लेती है नमी उठा लेती है और यहाँ बारिश कर देती है बहुत ज़ोर से। सबसे पहले बारिश केरल में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर ऐसे ऐसे करके मध्य जुलाई तक बारिश संपूर्ण क्षेत्र में कर देती है। कब कर देती है? मध्य जुलाई तक। अब कर देते हैं भाई, बोर्ड छोटा पड़ रहा है ना। हाँ कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात है, एक वक्त हमारा भी आएगा। मध्य जुलाई में क्या होती है, मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत में वर्षा कर देती है। ठीक है, संपूर्ण भारत में वर्षा कर देती है। 10 जुलाई 15 जुलाई तक पश्चिमी जो राजस्थान का जो एरिया है ना पश्चिमी, वहाँ वर्षा कर देती है। अब देखिए जो यहाँ से वर्षा करेगी बंगाल की खाड़ी से, वो कहाँ कहाँ गएगी, म्यांमार में, गंगा के मैदान में, फिर एक तो इधर पंजाब की साइड और एक उस साइड ब्रह्मपुत्र की घाटियों की साइड हो जाएगी, दो शाखा में विभक्त हो जाएगी। कौन सी? जो बंगाल की खाड़ी से करेगी, बंगाल की खाड़ी है इधर और इधर अरब सागर है, अरब सागर। तो वर्षा ऋतु समझ में आया होगा, जून से लेके सितंबर तक मान के चलिए। अब बात आती है मानसून की वापसी का, अक्टूबर नवंबर में होने लग जाती है। अब वापसी क्या है कि ये मानसून लौट गया जुलाई तक, ठीक है अगस्त सितंबर तक, मतलब लौट गया। अब उसके वापस आने का काल कब होता है शुरू? अक्टूबर नवंबर, मतलब ये इंडिया एक ही थोड़ी ना भाई, आगे भी तो घूम के आएगी, इंडिया के आगे अफगानिस्तान चीन इस साइड घूम के आएगी। जब वो उधर घूमती है और वहाँ से क्या होता है लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर के कारण वो उच्च प्रेशर की तरफ वापस आएगी। जब वो वापस आएगी तो क्या होगा, यहाँ ठंड हो जाएगी। कब? नवंबर से ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये ठंड की वर्षा होगी अगर यहाँ होगी तो। ठीक है, जब ये वापस आती है तब क्या होगा, यहाँ का हाई प्रेशर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ ठंड पड़ने लग जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हाई प्रेशर हो जाएगा, और जब ये आएगी तो वहाँ निम्न प्रेशर होगा, क्या लो प्रेशर होगा, तो लो
से हाई की, हाई से लो की तरफ जाती है ना, तो यहाँ से यहाँ ऐसे आएगी, आएगी तो वो तमिलनाडु में, कुछ कुछ कर्नाटक में, केरल में ऐसे वर्षा करेगी, आंध्र प्रदेश में, और हो सकता है यहाँ से वो सीधी इधर भी आ सकती है राजस्थान की साइड, तो ऐसे वर्षा करेगी। तो मानसून की वापसी समझ में आ गया। तापमान क्या होता है? उच्च तापमान होता है, आर्द्रता होती है। मौसम क्या होता है? कष्टकारी हो जाता है। कैसा मौसम हो जाता है? कष्टकारी। जब मानसून की वापसी में अक्टूबर से नवंबर मौसम कष्टकारी होता है तो उसे कहते हैं कार्तिक मास की उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तिक मास की उष्मा। और देखते हैं क्या बच गया इसके अंदर। और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा जो इम्पोर्टेंट है बताना चाहिए। बस यही वही बात है, पीछे घूम फिर के जो उष्णकटिबंधीय है यहाँ से चक्रवात उठते हैं वो विनाशकारी होते हैं और कुछ नहीं है। मोटा मोटी ये बात ऋतुओं के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं मानसून वर्षा की विशेषता क्या क्या है। देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है एक, तो उसी के अंदर ज़्यादा क्या होगी? वर्षा। ठीक है, ज़्यादा वर्षा कब होगी? जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होगा। एक ये जो मानसून है वो उच्चावच पे डिपेंड करता है। जैसे पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट, तो जब यहाँ बारिश होती है, यहाँ से जब पवने उठती हैं बारिश करने के लिए, तो ये यहाँ ज़्यादा बारिश करेगी। ठीक है, कहाँ? इस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश करेगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगी? कमी होती जाएगी। देखिए, समुद्र तट से दूरी के कारण कमी हो जाती है। फिर विच्छेद या विभंग, कभी कभी मानसून, ये भारतीय मानसून की विशेषता है कि कभी कभी विच्छेद, विच्छेद क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक बार बारिश आती है मानसून की, उसके बाद में एक या एक दो सप्ताह तक बारिश रुक जाती है, तो वो विच्छेद हो जाता है। और क्या है? ये जो मानसून है भारतीय कृषि के लिए बहुत लाभदायक है, कृषि के लिए लाभदायक है। और अगर ये ना आए तो सूखा भी पड़ सकता है। ठीक है, ग्रीष्मकाल में मूसलाधार वर्षा होती है, ये आपको पता ही चल गया होगा। कब होती है? ग्रीष्मकाल में, ग्रीष्मकाल में। ठीक है, मूसलाधार वर्षा होती है। इसका वितरण भी असमान है, कहीं तो ये 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा कर देगी और कहीं पे ये 12 सेंटीमीटर करके रुक जाती है बारिश। ठीक है, ये मानसून की ही विशेषताएँ हैं। और कई बार सामान्य समय से पहले भी आ जाती है, तो इसका कोई ना निश्चित नहीं है कि अगर जुलाई जून बता दिया तो जून में आ जाएगा, नहीं, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। बस ये अनुमान लगाया जा सकता है हमारी तरफ से कि भी जनरली इतने इतने समय में आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो क्षेत्रीय आधार पर किया था, तो तब तो कुछ भी कन्फर्म नहीं होगा। जब भूमंडलीय आधार पर इसका वो क्या किया, खोज की, खोज क्या करना है, इसके बारे में स्टडी किया ना, तो पता चला कि भूमंडलीय स्तर के आधार पर पता चला कि हाँ, जनरली इस टाइम पे ये मानसून आता है, यहाँ से ये लहरें उठती है। एक्चुअली मानसून है क्या? ऋतु परिवर्तन ही तो मानसून है। क्या है ऋतु परिवर्तन? क्या है? ही मानसून है। ठीक है, मानसून है, और इसके अंदर कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर इसके अंदर बताया हुआ है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली वर्षा या पवने जो भी हैं, तो देखिए, जो पहला है अरब के सागर की, अरब सागर से देखते हैं। तो पहला तो अरब सागर से है कि ये क्या होता है कि पश्चिमी घाट रोक लेता है, कि जितनी भी वर्षा होती है यहाँ से ये रोक लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर 250 मीटर की ऊँचाई तक या इससे ज़्यादा ऊँचाई तक, 1200 मीटर की ऊंचाई तक, 1200 मीटर की ऊंचाई तक ये जाती है वर्षा लेके पवने, और 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच वर्षा कर देती है, 250 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती है यहाँ पे। उसके बाद में क्या होता है? फिर नर्मदा और ताप्ती की जगह चलती है। ठीक है, ये जो लहरें दोबारा उठेगी तो वो कहाँ? मुंबई के उत्तर में, नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियों में बहेगी और छोटा नागपुर पठार पे यहाँ बह के और फिर यहाँ पे वर्षा करेगी 15 सेंटीमीटर। छोटा नागपुर पठार है ना छत्तीसगढ़ की साइड। फिर तीसरी लहरें हैं वो जो तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराएगी और पश्चिमी राजस्थान को लांघती हुई जो अरावली का भाग है कच्छ से सौराष्ट्र तक,
कच्छ से सौराष्ट्र तक, ठीक है। तो तीन शाखा मैंने बता दी, तीन बार लहरें उठती है। एक बार तो जो सह्याद्री पर्वत है यहाँ पे 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, ठीक है, और वर्षा कर देती है यहाँ पर 250 से 400 सेंटीमीटर भारी वर्षा होती है। फिर जब दोबारा उठती है तो वो कहाँ, मुंबई में, मुंबई के उत्तर में नर्मदा व ताप्ती के क्षेत्र में इनसे टकराती है, फिर यहाँ वर्षा कर देती है। फिर दोबारा उठती है तो कहाँ, कच्छ, जो गुजरात में है, कच्छ से सौराष्ट्र प्रायद्वीप, सौराष्ट्र प्रायद्वीप में उठती है। यहाँ से होती होती यहाँ पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान से टकरा के में प्रवेश करके अरावली से टकराएगी, कहाँ, अरावली से टकराएगी ऐसे, फिर यहाँ वर्षा कर देगी। और इसमें कुछ नहीं है। अब बंगाल की खाड़ी की बात करें तो पहले तो कहाँ, म्यांमार से, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से उठेगी वो कहाँ, म्यांमार से टकराएगी, ठीक है, क्या, पवने, पवने, और जाहिर सी बात है समंदर से उठती है तो नमी लेके बारिश करेगी, तो पहले यहाँ टकराएगी और दक्षिण व दक्षिण पूर्व बांग्लादेश, क्या है यहाँ पे, बांग्लादेश, यहाँ से टकराएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ के बाद में जब ये वापस उठेगी तो गंगा के मैदान तक पहुँच जाएगी, और गंगा के मैदान तक पहुँचने के बाद ये दो भागों में, एक तो पंजाब की साइड और एक कहाँ, ब्रह्मपुत्र की साइड प्रवाहित हो जाएगी। और इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, सारा बता दिया। अब देखिए एक रीज़न है यहाँ पे कि तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में भी शुष्क क्यों रहता है, तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है। एक तो क्या है कि बंगाल की खाड़ी के मानसून जो पवने हैं वो समांतर होती हैं, यहाँ की जो पवने हैं वो समांतर होती है। दूसरा, दक्षिण मानसून की जो अरब सागर के विस्तृत क्षेत्र में है, जो यहाँ से जो बारिश आती है, तो ये जो तमिलनाडु क्या है, रियान, चुप बेटा चुप, तो यहाँ ये क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र, रियान। अब गायत्री मंत्र सुनाओगे, प्लीज सुना दो, नहीं आप थोड़ा इधर आओ मेरे पास, अभी ना वीडियो भी खत्म हो गई है तो आप है ना प्लीज थोड़ा सा बोल दो, इधर आओ, मार्क लिखूंगा, हाँ फिर लिखने दूंगी मार्कर से, अभी बोलो बोलो आज मैं आपको गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र सुनने जा रहा हूँ। हाँ अब सुनाओ दो। ओम आगे भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और बचा है इसके अंदर, वो है सिर्फ भारत के परंपरागत ऋतुओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और वर्षा की परिवर्तिता है वो पढ़ लेंगे। और अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को। और तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है इसके अंदर, बस चक्रवाती तूफान कहाँ, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में हमारे के तट से टकराते हैं, और कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्रभावित क्या करती है, प्राप्त करती है। बस ऋतुओं के बारे में पढ़ना है, वर्षा का वितरण तो ऑलमोस्ट आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादा मेघालय के साइड होता है, मध्यम यहाँ होता है, मध्यम कहाँ होता है, यहाँ बीच में, यहाँ, और फिर वो सबसे कम वहाँ होता है, तो ये भी पढ़ लेंगे कल। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन भी पढ़ लेंगे, उसके बाद में कोपेन की जो जलवायु क्षेत्र में उसने विभाजित किया वो भी पढ़ लेंगे, और भूमंडलीय तापन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में शायद हो सकेगा तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।